नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कन्हैया सिंह आपके लिए दो अलग तरीके के ऑफिस टेबल लाया हूं, जिसका एक का साइज रहेगा 5x3 और एक का साइज रहेगा 6x3। 6x3 वाले में क्या अलग होगा और 5x3 वाले में क्या अलग होगा, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। कुछ अलग मटेरियल लेकर आया हूँ, शायद उसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे वीडियो के साथ बने रहें। आइए बिना समय गंवाते हुए टेबल हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की भी कोशिश करेंगे कि क्या क्या उसमें खास बात है। और तो ये है 6x3 फीट, ऐसे आपको 6 फीट रहेगा और ऐसे आपको 3 फीट रहेगा, मतलब 72 इंची बाई 36 इंची। इसका हाइट रहेगा 2.5 फीट, मतलब 30 इंची। नीचे का बेस का जो गहराई रहेगा 27 इंची रहेगा। इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि लोग 3 फीट का टॉप देकर गहराई कम कर देते हैं, तो उसमें टेबल उलटने का भी प्रॉब्लम आ सकता है। इस चीज़ का बारीकी से ध्यान देंगे कहीं पे भी खरीद रहे हैं तो। 27 इंची इसका गहराई है बेस का। आगे का डिज़ाइन की बात कर ले तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन दिया हुआ है। ये जो चीज़ दिख रहा है ब्लैक तो व्हाइट, ये कोई फीता वगैरह नहीं, इस तरह का डिजाइन ही उतारा गया है हमारे कारपेंटर के द्वारा। इस तरह हैंड वर्क है, ये सब मशीन के द्वारा पॉलिश होता है। ये जितना भी डिजाइन दिख रहा है व्हाइट व्हाइट का छीटा, ये छीटा नहीं, वैसा लुक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि छीटा पड़ गया, तो वैसा कोई बात नहीं, वैसा डिजाइन ही इसका दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज और आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, कहीं से भी टेबल खरीद रहे हैं तो ये चीज हमारा ज्यादा नहीं निकला हुआ, मुश्किल से 1 इंची होगा, इधर से भी 1 इंची होगा। ये चीज हम इसलिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि 6x3 6 फीट तो ऐसे टॉप ऊपर से रख देंगे, ठीक है, टॉप ऊपर से रख देंगे और इस चीज को छोटा कर देंगे, तो वो चीज हम छोटा नहीं किए हैं, मतलब 1-2 इंची छोटा है, क्योंकि ये टॉप जो है इसके अंदर फिट करने के लिए ये स्पेस दिया गया है। ठीक है, ये टॉप उठता है, यदि आपका दरवाजा वगैरह छोटा है तो ये टॉप को पहले अंदर कर लेंगे, उसके बाद बेस अंदर कर लेंगे। कम से कम 30 इंची आपका दरवाजे का साइज रहेगा तो ये टेबल आराम से अंदर चला जाएगा। इसमें एक फाइल रखने का स्पेस है जो काफ़ी गहरा है, 2 फीट गहराई रहेगा इसका। इसमें एक ड्रॉवर है जो फाइल का साइज का है, फाइल आराम से इसमें आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो चैनल है इसमें वाइल मेंटेन करना है, किसी प्रकार का कोई भी मशीन वाइल यार कोई आपके पास तेल होगा वो आप डाल सकते हैं। इसमें एक पैड दिया हुआ है लिखने पढ़ने के लिए या चाय पानी रखने के लिए। इसके साथ एक कंप्यूटर टेबल भी है जिसको लोग एल के नाम से जानते हैं, हम लोग कंप्यूटर टेबल बोलते हैं, बहुत लोग साइड टेबल भी बोलते हैं। इसको इस तरीके से लगा लेंगे। ये फाइल रखने का स्पेस है, इसमें एक ड्रॉवर दिया हुआ है, यहाँ UPS रख सकते हैं, यहाँ CPU रख सकते हैं, यहाँ कीबोर्ड रख सकते हैं, इधर मॉनिटर, यहाँ प्रिंटर भी रख सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग का मन होता है कि हम एल पे नहीं रखेंगे कंप्यूटर वगैरह, सामने रखेंगे, तो आप सामने भी रख सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंप्यूटर आप जहाँ मन करे वहाँ लगा सकते हैं। अब इस मटेरियल की बात कर ले, ये MDF बोर्ड है। MDF बोर्ड 2 प्रकार का आता है, एक लेमिनेटेड में, एक सादा में। तो हम लोग सादा वाला इस्तेमाल करते हैं जिस पे मशीन के द्वारा पॉलिश किया जाता है। इसका हम लोग ट्रीटमेंट किए हैं 2 घंटा तक पानी में रख के, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। यदि पानी किसी प्रकार से कोई रखता तो नहीं है, कभी गलती से गिर गया तो पहले पार्टिकल बोर्ड जो आता था वो थोड़ा सा में फूल जाता है, तो इसमें पानी वगैरह थोड़ा देर के लिए रह गया तो कंप्लेन नहीं आएगा, क्योंकि ये MDF बोर्ड मजबूत ज़्यादा होता है, पानी से लड़ने में भी काफ़ी हद तक सहन शक्ति इसमें ज़्यादा है, मजबूती ज़्यादा रहेगा। कभी भविष्य में ये कलर वगैरह आपको ख़राब हो जाता है, इसका आप पॉलिश भी करवा सकते हैं। जिस दुकान से आप खरीदेंगे उसी दुकान में ये सुविधा भी रहेगा पॉलिश वगैरह करवाने का, तो आप कहीं से खरीद रहे हैं तो ध्यान दें। बहुत लोग पार्टिकल बोर्ड को भी MDF बता के बेच देते हैं, तो आप धोखा ना खाइएगा, MDF बोर्ड अंदर से पूरा सॉलिड होता है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है आपको। कहीं से खरीद रहे हैं तो MDF बोर्ड का परिचय कर लें या गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि MDF बोर्ड कैसा होता है, क्योंकि लेमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड का भी विदाउट लेमिनेटेड बोर्ड आता है, कुन्नी बगास बोर्ड जिसको बोलते हैं उसका विदाउट, पेस्टिंग वाला बोर्ड भी आता है, उसको भी लोग गन पॉलिश करके इसी तरह का मटेरियल बना सकते हैं। MDF मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड,
दो घंटा तक हम लोग का ट्रीटमेंट किया हुआ है और ये रेट भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा। इस पर 5 mm का ग्लास दिया हुआ है, ब्लैक कलर का 5 mm ग्लास है। इसके नीचे 10 mm का बोर्ड दिया हुआ है, जो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस तरीके से टॉप वगैरह इसका फोल्डिंग होता है और शीशा उसा टूटने का दिक्कत नहीं है। टूट जाता है गलती से, शीशा ही है, टूट सकता है, तो आप फिर से लगवा सकते हैं। शीशा इसका आपको बाहर नहीं निकलेगा, क्लिप पे जाम किया हुआ है, तो घिसने की कोशिश करेंगे तो पहले क्लिप आपको निकालेंगे, या बदली करना होगा तो क्लिप को खोल लीजिएगा, उसके बाद शीशा डाल के फिर से क्लिप सेट कर सकते हैं। तो इसका रेट की बात कर ले तो ये 6x3 का विथ एल के साथ आपको 17,500 रुपया में मिल जाएगा। MDF बोर्ड कहीं कोई मिक्सिंग नहीं मिलेगा, 100% MDF देंगे। और फिनिशिंग वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया फिनिशिंग है। और मजबूती की बात करें तो मजबूती में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी इस चीज़ को लोग बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लेमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड से धोखे खाए हुए हैं, तो इस बोर्ड को थोड़ा पहचानने में और लोगों को जानने में समय लग रहा है। पर हाँ, जो भी एक बार इसको खरीदते हैं मतलब उनको संतुष्टि हो जाता है कि पहले जो मार्केट में बोर्ड बिक रहा था उससे ये बेहतर है। इसका लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा है, मजबूती ज़्यादा है और इसका फिनिशिंग भी अलग है। इसमें कलर भी बहुत तरह का आता है। अभी मेरे पास डार्क ब्राउन का सेट है, इसमें और भी कलर आता है, वो भी आपको मिल सकता है यदि अवेलेबल होगा उस शॉप पे। तो यदि इस तरह का टेबल आप खरीदना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है नाला रोड, न्यू HK इंटरप्राइजेज, ओल्ड पोस्ट ऑफिस गली। यहाँ से आप आके खरीद सकते हैं। हम जो वीडियो में रेट बोल रहे हैं वो रेट में हम आपको दे सकते हैं। एक साइज ये हो गया, एक साइज हम आपको और दिखा रहे हैं। तो एक साइज ये वाली है, ऐसे आपको 5 फिट रहेगा और ऐसे आपको 3 फिट रहेगा, मतलब 60 इंची बाई 36 इंची। इसका जो नीचे का गहराई है इसमें भी सेम गहराई रहेगा, 27 इंची। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि 27 इंची गहरा रहेगा। यदि आगे टॉप पे किसी प्रकार का हाथ वगैरह रख दिए विजिटर या और भी कोई भी आपके आगे पीछे बैठते हैं वो हाथ रखेंगे तो टेबल उलटने का कंप्लेंट नहीं आए, वो चीज़ हो गया। एक चीज़ और दिखा देते हैं, इस चीज़ पे भी ध्यान देना है आपको कि मार्केट में ये बॉडी हम लोग बोलते हैं, इस बॉडी को छोटा कर देते हैं, मतलब 2-4 इंची छोटा कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको टॉप बाहर ज़्यादा निकला हुआ, हमारे में निकला हुआ ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है खरीदते समय। इसमें 3 ड्रॉवर है जो फाइल का स्पेस दिया हुआ है, इसमें फाइल आराम से रखा जाएगा। यहाँ पे पाँव रखने का स्पेस है, यदि पाँव नहीं रखना है तो सेल्फ का काम वो करेगा। इधर आपको फाइल वगैरह रखने का 2 फिट गहराई का दिया हुआ है, 2 फिट कंप्लीट गहराई रहेगा स्पेस यूज करने वाला। ये भी MDF बोर्ड है, ऊपर से ये पॉलिश किया हुआ है, ये माइका वगैरह नहीं है, इस चीज़ का आप लोग धोखा नहीं खाइएगा, ये माइका नहीं, ऐसा स्प्रे पेंट ही आता है जो गन के द्वारा किया जाता है। तो कभी भविष्य में आपको ठोकर वगैरह लग गया या फिर कलर खराब हो गया तो इजी वे में आप चेंज करवा सकते हैं। हाँ, उस दुकान से ही चेंज होगा या उसी शॉप से आपको पॉलिश वगैरह का सुविधा मिलेगा, जिससे आप खरीदे हैं उसका बिल आप संभाल के रखिएगा। और खरीदते समय या जो भी परेशानी हो पहले ही उससे सवाल जवाब कर लीजिएगा। यदि किसी प्रकार का गारंटी वगैरह दिया जाता है, इस बोर्ड में दीमक वगैरह नहीं लगता है, तो वो सब चीज़ का आपको गारंटी वगैरह देता है या फिर बोलता है कि पॉलिश वगैरह भी करवा देंगे थोड़ा बहुत खर्चे में, तो वो सब चीज़ आपको बिल पर इंक्लूड करवा लेना है ताकि आने वाले 2-4 साल में या 10 साल में परेशानी ना हो। क्योंकि बिल पे इंक्लूड नहीं रहता है तो दुकानदार बहुत तरह के बात बोल देते हैं कि हम नहीं बोले थे चाहे कुछ भी। पर जिनको ज़्यादा लंबे समय तक बिजनेस करना है, जो लोग को लंबे समय तक बिजनेस करना है वो आपसे व्यवहार खराब नहीं करेंगे, वो नहीं भी लिख के देंगे फिर भी आपका वो काम करवा सकते हैं। तो आप कोई भी दुकान से खरीदते हैं तो ध्यान दें कि सामान बेहतर खरीदिए। इसका आगे का लुक भी देख सकते हैं, सेम जैसे 6x3 का लुक था उसी तरह 5x3 का भी लुक है, ये सब छीटा नहीं, इस तरह का पॉलिश किया हुआ डिजाइन, इसमें और भी डिजाइन आता है। तो ये सब चीज़ का आपको खास ध्यान देना है। इससे पहले जो आपको हम 6x3 दिखाए उस पर शीशा लगा हुआ था, इसमें शीशा नहीं है, प्लेन टॉप है। इसमें और भी अलग अलग डिजाइन आता है जो हम आपको अगले वीडियो में दिखाने की प्रयास करेंगे, और उसका रेट वगैरह क्या होगा, उसका डिजाइन क्या होगा, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। तो आप लोग कहीं से भी कोई सामान खरीदते हैं तो बुड़बक ना बने, सोच समझ के जो भी क्वेश्चन हो या आपका जो भी सवाल जवाब हो पहले आप कर लें। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए,
यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं कन्हैया सिंह फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार।